بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقال أيضا إنما جعل الذل والصغار على من خالف أمدي وقال أيضا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين شہ نشین پر جلوہ فروز حضرات علماء اکرام بزرگان دین شہر شاہجہاں پور کے غیور نوجوانوں پردہ نشین مائیں بہنیں اللہ بزرگ برتر نے ہم تمام کو بڑی اونچی نسبت پر جمع فرمایا ہے اور وہ نسبت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اگر ہم اپنی زندگی میں سرسبز و شاداب رہنا چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی میں ہم بہاریں دیکھتے رہنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ موسم خزاں پتجھڑ کا موسم ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہمیشہ ہمارا طوطی بولتا رہے پھلتے رہیں پھولتے رہیں
और दुनिया भर में अमन का, ईमान का, सलामती का, इस्लाम का डंका बजता रहे तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाबस्ता रहना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने उसी को समझाने के लिए कहा था, वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। जो टहनियां अपने तने से और जो तना अपनी जड़ से और जो जड़ जमीन से मजबूत जुड़े रहते हैं, वाबस्ता रहते हैं, पेवस्त रहते हैं और पेवस्ता रहते हैं, तो फिर वो तना और उसकी डालियां और उसकी टहनियां और उसके बरगोबार और उसकी पत्तियां और उसके फल और फूल, वो फलते रहते हैं और फूलते रहते हैं और सरसब्जी और शादाबी और हरियाली बरकरार रहती है। और जिस दरख्त की टहनी को या जिस तने को जड़ से काट दिया गया हो, जिस तने को जड़ से अलग कर दिया गया हो, जिस टहनी को तने से काट दिया गया हो, तो फिर उस पर कितने ही पानी का छिड़काव करते रहें, फिर वो न तो फलती है न फूलती है, न उसमें फल आता है न पत्तियां आती हैं और ना ही कोई सरसब्जी और शादाबी उसमें बरकरार रहती। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां सरसब्ज और शादाब रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुशहालियां रहें, हरियालीपन रहे, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से कामयाबियां हमारे कदम चूमे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपना रिश्ता मजबूत रखना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह। जितना हमारा रिश्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत रहेगा, उतनी ही दुनिया हमारे कदमों में झुकती रहेगी और सरसब्जी और शादाबी हमारा मुकद्दर बनती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, नस्रु मिन अल्लाह करीब। अल्लाह की तरफ से मदद भी यकीनी है और अन करीब कामयाबी आने वाली है। ये अल्लाह की खुली मदद और ये अन करीबी जमाने में फतह, कामयाबी, कामरानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अनु के जमाने में लोगों ने देख ली। वो उमर इब्न खत्ताब जिनके बारे में गैर मुस्लिम लीडर्स ने ये गवाही दी कि अगर एक उमर और होते तो दुनिया से जुल्म का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का और क्राइम का बाजार खत्म हो जाता। वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अनु के जमाने में कैसी कामयाबी और कैसी नुसरत और मदद अल्लाह की तरफ से आई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक एकड़ जमीन के फैलाव में बिछ जाए इतना बड़ा किसरा का कालीन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अता फरमाया। एक एकड़ ज़मीन में बिछ जाए इतना बड़ा कालीन और किसरा का वो तख्त जो 270 गज लंबा और 210 गज चौड़ा था और जिस पर 50 मन से ज्यादा सोना
और 1232 मन चांदी लगी हुई थी। यह है नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब, जो अल्लाह ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में अता फरमाया। एक एक बदरी सहाबी को, एक एक बदरी सहाबी को 1500 दिरहम का जोड़ा अता किया गया। इतना भी अगर था तो कम नहीं था। इसके साथ साथ दो खरब अशरफिया सोने के सिक्के अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। यह है नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। क्यों? इसलिए कि उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया था। जान हाजिर, माल हाजिर, उमर हाजिर और सब कुछ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार। जरा कहीं शक हुआ कि कहीं इसमें निफाक तो नहीं है, कहीं ये मुनाफिक तो नहीं है, फौरन हज़रत उमर कहते थे, दानी अज़रिब उनुकहु या रसूल अल्लाह, प्यारे नबी इजाजत हो गर्दन उड़ा दूं। ये उमर थे, वो उमर जिस रास्ते पर गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल ले, वो उमर जिनके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था कि उमर की जुबान पर तो सकीना बोलता है, सकीना नामी फरिश्ता बोलता है या सकीनत बोलती है। वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में भी कामयाबी, कामरानी, फतह, नुसरत, मदद रखी थी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में रखी थी। और रहती दुनिया तक कामयाबी अगर चाहिए, जिस इलाके के लोग हों, जिस जुबान के बोलने वाले हों और जिस तहजीब और तमद्दुन में जिंदगी बसर करने वाले हों, अगर कामयाबी चाहिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। एक मौके पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का कोई नुस्खा उनके हाथ लग गया था, वो उसको पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पास में मौजूद थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का नुस्खा पढ़ रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर का रंग बदलता जा रहा है, यहाँ तक कि आपका चेहरे अनवर सुर्ख हो गया है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर जब आपको गुस्सा आता था तो ऐसा लाल हो जाता था, कअन्नमा फुक़िअ फी वजहिहि हब्बुर रुमान, ऐसा लगता था जैसे कोई अनार के दाने आपके रुखसारों पर निचोड़ दिए गए हैं, अनार के दाने निचोड़ दिए गए हैं, ऐसा लगता था। आपका चेहरे अनवर मुतग़य्यिर हो चुका, लाल हो चुका, और आपसे ज्यादा खूबसूरत न कोई हुआ है, न खूबसीरत कोई हुआ है, न हो सकता है। और जो गोरा इंसान होता है उसे जब गुस्सा आता है तो रंग बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर देखकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर को इशारा किया, फौरन उन्होंने उस तौरात को पढ़ना छोड़ा, ऊपर को देखा और फौरन मुतरब्बे हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अगर मूसा भी आज जिंदा होते तो उन्हें भी मेरा ही इत्तिबा करना पड़ता, मूसा भी अगर जिंदा होते तो भी मेरी ही इत्तिबा करते तो गोया कामयाब होते। मालूम यह हुआ के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में ही, आपके तरीके अपनी जिंदगियों में उतारने में ही अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाबी रखी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को बयान करने के लिए माह रबीउल अव्वल में जलसे किए जाते हैं। आम तौर पर ये रिवाज बना हुआ है, आम तौर पर माह रबीउल अव्वल जैसे आने वाला होता है सीरतुन्नबी के जलसे शुरू हो जाते हैं।
अरे होता है, और हम भी यहां पर सीरतुल नबी के उनवान से जमा हुए हैं। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक महीने बयान कर ली जाए तो हम उसका हक अदा करने वाले बन जाएंगे? बस एक महीने प्यारे नबी की सीरत को याद किया जाए और बाकी 11 महीने रबीउल अव्वल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल से बड़ी गहरी मुनासबत है, इसलिए कि विलादत बासआदत इस महीने में, आपका पर्दा फरमाना इस महीने में, आपका हिजरत फरमाना इस महीने में। लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सिर्फ रबीउल अव्वल में किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा तो 12 महीने बयान करने और 12 महीने सुनने और 12 महीने अमल में लाने की जरूरत है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। 12 महीने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तो 12 महीने सुना जाए, आपकी सीरत को 12 महीने बोला जाए। आपकी सीरत क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि प्यारे नबी की सीरत क्या, प्यारे नबी के अखलाक क्या, तो अम्मा आयशा ने फरमाया कान खुलुकुल कुरान। आपके अखलाक, आपकी सीरत, आपके किरदार, वो तो पूरा का पूरा कुरान है, पूरा का पूरा कुरान गोया आपकी सीरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ ये जुल्म ना किया जाए कि बस साल में एक मर्तबा जलसा कर लिया और समझा कि हमने तो हक अदा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने लगता है मुकर्रर, पता चलता है कि 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पता चला अभी तो शुरू ही किया था, अभी तो शुरू ही किया था। वो हजरत शेख रिजवान साहब शेखुल हदीस जामिया इरशादुल उलूम अक्कलकुआ, वो सुसनेर एक मरतबा हमारे तशरीफ लाए थे। जब 1.25 घंटा बयान करते करते हो गया तो हजरत फरमाने लगे अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, अब तक तुम्हें किक मार रहा था, अब तक तुम्हें किक मार रहा था, गाड़ी अब तो स्टार्ट हुई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक तो ये है कि 12 के 12 महीने हम सीरत को बयान करें, करवाएं, सुने, सुनवाएं, और खास तौर पर अपनी मस्तूरात को भी सुनवाएं और अमल की नीयत से सुने और सुनवाएं। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे भाई जरा धीरे आवाज आ रही है, उधर के बैंड बाजों की आवाज ज्यादा आ रही है। अरे अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन एजाजात से और जिन इकरामात से नवाजा है मेरे भाइयों, उनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला का जो जाती नाम है वो तो अपनी जगह, अल्लाह तबारक व ताला के सिफाती नाम भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला के सिफाती नाम कितने, बाज हजरात ने मशहूर मशहूर 99 जिक्र फरमाए हैं। एक तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस के हवाले से उन नामों में से 2 नाम हैं, रऊफ और रहीम। अल्लाह तबारक व ताला ने 14वें पारे में इरशाद फरमाया 7वें रुकू में, वइन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार वो रऊफ भी है और रहीम भी है। रब तबारक व तआला के ये 2 सिफाती नाम इस एक आयत में जिक्र फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान देखे, इकराम देखे, एजाज देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों सिफाती नाम अपने प्यारे हबीब आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम,
कि वो रसूल कैसा, कि वो अपनी उम्मत पर, ईमान वालों पर, ईमान वाले मर्दों पर भी और ईमान वाली औरतों पर भी रऊफ भी है और रहीम भी है। अल्लाह का रऊफ होना अपने शाया निशान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रऊफ होना अपने शाया निशान, अल्लाह का रहीम होना अपने शाया निशान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहीम होना अपने शाया निशान। अल्लाह का प्यारा और निराला अंदाज के जो अल्लाह के सिफाती नाम थे उन नामों में से ये दो नाम अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के लिए भी इस्तेमाल किए, कहीं इधर उधर से नहीं, कुरान से अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने जो नाम अपने लिए इस्तेमाल फरमाए वही नाम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल फरमाए। तमाम नबियों का मकाम और मर्तबा अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने ये सिफाती नाम अपने प्यारे हबीब को अता फरमाए। पूरे कुरान को आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, सुनते चले जाएं, पूरे रमजान में सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पर हुआ। और बाज़ जगहों पर तो कंपटीशन भी होता ना कि हमारे जो इमाम साहब हैं वो राजधानी एक्सप्रेस हैं, तो दूसरा कहता नहीं हमारे जो हाफिज़ साहब हैं ना वो शताब्दी एक्सप्रेस हैं। अरे तुम्हें क्या पता हमारे हाफिज़ साहब ने कल से 2 मिनट पहले मस्जिद से बाहर कर दिया। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, कोई कैद खाने में महफूज थे? अल्लाह का कलाम प्यार से सुनने की, मोहब्बत से सुनने की चीज है। अल्लाह के कलाम में जितना ज्यादा प्यार से, मोहब्बत से, शौक से, लगन से सुनेंगे, खुदाए पाक की कसम उतना ही मजा आता चला जाएगा, आता चला जाएगा और रूह को, जिस्म को तस्कीन मिलती चली जाएगी। यही तो वजह है कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर तफसीरों के हवाले से नकल फरमाया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ना, एक तो खुद कलाम अल्लाह का कलाम जिसमें हलावत तलावत, जिसमें चाशनी लज्जत शीरीनी मिठास, ऐसी मिठास कि अगर इस जमाने के नॉन मुस्लिम भी सुने तो वो कह उठते हैं कि यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। चाहे समझ में एक लफ्ज ना आए, लेकिन जब दिल से पढ़ा जाता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। यही तो वजह है कि कई तरह के लोग हैं जब बीमार होते हैं तो अल्लाह का कलाम सुन रहे होते हैं, चाहे किसी को बतलाएं ना बतलाएं। उस जमाने के जो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वो जो उस जमाने के सरगने थे, वो भी चुपके चुपके सुबह होने से पहले पहले जब प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास अल्लाह का कलाम नमाज में पढ़ा करते थे, तो वो अबू जहल, वो अबू लहब, वो सरदारान कुरैश, वो अबू सुफियान, वो छुप छुप कर अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुबान से जो कलामुल्लाह की तिलावत होती थी उसे छुप छुप कर अपने कानों से सुनते थे। जब तिलावत मुकम्मल होती, इधर नमाज मुकम्मल होती और चुपके चुपके निकलते थे, एक निकला दूसरा उसको रास्ते में मिला, कहाँ गया था? झूठ नहीं बोलते थे, वो काफिर थे, मुशरिक थे, एक अल्लाह को मानने से इनकार करते थे, एक अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे, लेकिन झूठ बोलने को बहुत बुरा समझते थे, सच कह देते थे। कहते वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं ना वो सुनने गया था। कहे मुखालफत करते हो और फिर भी सुनने जाते हो, कहा तू कहाँ गया था? का बात तो सच्ची, मैं भी सुनने ही गया था, इतने तीसरा मिलता तू कहाँ गया था? का मैं भी सुनने गया था, कल से नहीं आना, का नहीं आएंगे, लेकिन फिर आते थे, फिर आते थे, फिर आते थे। ये अल्लाह का कलाम है। ओ मेरे भाइयों, हाफिजों को मजबूर ना करो कि जैसी हम कहें वैसी तरावी पढ़ा, उनको कहो ये अल्लाह का कलाम है, जैसा पढ़ने का हक है आप वैसा पढ़ाओ, जैसा पढ़ने का हक है। आप जानते हो, हम नहीं जानते, हम क्यों गुनहगार बने कि आपको कहें कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो और जरा जल्दी पढ़ाओ। बड़ा अजीब मामला होता है, तरावी में तो सेकंड सेकंड पर नजर होती है,
दो रकात ये कितने मिनट में हुई थी और ये दो रकात कितने मिनट में हुई है। बाद में पूछते भी हैं कि आखिर की दो रकातों में ज्यादा पारा पढ़ा था, ज्यादा लंबी हो गई थी। और खास तौर से ये नौजवान जो तबका है ना, बड़ा प्यारा तबका होता है, ये नौजवान बड़े अच्छे दोस्त हैं बेचारे, ये बड़े अच्छे नौजवान हैं ये दोस्त। जी चाहता था कि मैं यहाँ भी टोपियां रख कर लाता और इनको भी टोपियां पहनाता, मैं अपने बैग में टोपियां रखता हूँ, अपने बैग में टोपियां रखता हूँ। जहां पर भी मुझे नौजवान साथी ऐसे मिलते हैं ना जो मस्जिद की टोपियां पहन रहे होते हैं, वो कौन सी कटोरे वाली है ना, और बगैर टोपी के कोई रुमाल के साथ नमाज पढ़ रहा हो, उनको टोपी हदिया कर देता हूँ। वो मुझे जहन में नहीं रहा, वरना यहाँ पर भी टोपियां मैं लेकर आता और इन सबको बेचारों को हदिये में देता। अरे भाई प्यारे नबी का तस्किरा चल रहा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, जरा अंदर आने को जगह दो भाई, नौजवानों को आने को जगह दो, आ जाओ, कब तक खड़े रहोगे भाई। मुझे रहम आएगा कि भाई इनको जरा जल्दी से फ्री कर दूं, अंदर आ जाओ, अंदर आने को जगह दो इनको, आ जाओ भाई प्यारे, अरे प्यारे दोस्त आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बुलाओ इनको अंदर, बुला, आ जाओ जरा जल्दी से, आ जाओ जल्दी से अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। लो भाई ये तो और छुप गए, ये मर्द ही थे ना भाई, भाई ये मर्द ही थे ना भाई, पर्दे में तो पीछे है, खवातीन तो पीछे हैं, वो तो भाई खवातीन तो पीछे है ना भाई, ये मर्द हजरात भी पर्दे में चले गए भाई, मर्द ही है ना ये सब भाई। आ जाओ, आ जाओ इधर, आ गए सामने, आ जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा भाई, दुरूद शरीफ पढ़ लो एक मरतबा, इबादत की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लो। اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات। تم یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی نام میں سے ये नाम अपने प्यारे हबीब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। पूरा कुरान पाक आप पढ़ते चले जाओ, सुनते चले जाओ, आपको ये तो नजर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं या आदम कहा, ये नजर आएगा कि या मूसा कहा, ये नजर आएगा कि या नूह कहा, ये नजर आएगा या ज़करिया, या यहया, या ईसा। अल्लाह ताला ने नबियों को मुखातब बना बना कर, मुनादा बना बना कर अल्लाह ताला ने जिक्र किया, लेकिन पूरे कुरान में आपको या मोहम्मद नजर नहीं आएगा, या मोहम्मद नजर नहीं आएगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहीं पर भी प्यारे नबी को नाम से मुखातब नहीं पुकारा, नाम लेकर या मोहम्मद कहकर या अहमद कहकर अल्लाह ताला ने नहीं पुकारा। चार जगह मोहम्मद कहा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ नाम बताया है कि मेरे महबूब का नाम ये। जब पुकारना था तो कहीं अल्लाह तबारक व ताला ने कहा या अय्युहन नबी, कहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं पर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर। ये प्यारे नबी के साथ अल्लाह तबारक व ताला का इश्क है, अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा। हाँ नाम बतलाया जरूर कि मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये मेरे नबी का नाम है। ये नाम ना तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और ना ये नाम कोई बीबी आमना ने रखा, बल्कि ये नाम तो दरअसल अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम आला नबीना व अलैहि सलात व सलाम को पैदा करने से हजारों साल पहले जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम की तिलावत फरमाई, उसमें अल्लाह ताला ने ये नाम जिक्र फरमाया। कहो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी के नाम बतलाए हैं कि मेरे नबी के ये नाम है, मेरे नबी का ये नाम है। मैंने कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, मैंने कहीं या अहमद नहीं कहा। क्यों? ताकि ए लोगो तुम भी मेरे महबूब का नाम अदब से लेना,
तुम भी मेरे महबूब का नाम अदब से लेना। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शुरूर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वास्ता मोहम्मद का देकर, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देकर, खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास है। अल्लाह तबारक व ताला ने किसी नबी की जिंदगी की कसम नहीं खाई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई, फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सक्रतिहिम यअमहून। अल्लाह तबारक व ताला ने किसी नबी के शहर की कसम नहीं खाई, लेकिन मेरे महबूब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की कसम खाई, फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूरसीनीन वहादल बलदिल अमीन, और यूं फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद। किसी नबी की रिसालत पर अल्लाह ने कसम नहीं खाई। जब रिसालत का नंबर आया मेरे महबूब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह तबारक व ताला यूं फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है कुरान हकीम की, यकीनन आप पैगंबर हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है। जब प्यारे नबी के अखलाक, आपके अखलाक अजीमा, आपकी सीरत तय्यबा के बारे में लोगों को बतलाना था, तो अल्लाह तबारक व ताला कसम खाता है आपके अखलाक पर पता चला कि अल्लाह की कसम से बढ़कर किसी और की कसम नहीं है, तो प्यारे नबी के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक नहीं हो सकते, प्यारे नबी के कैरेक्टर से बढ़कर किसी का कैरेक्टर नहीं हो सकता। ओ मेरे भाइयों, हमने प्यारे नबी के अखलाक और आपकी सीरत को जिंदगियों से निकाल दिया और इज्जतें चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जतें अल्लाह की हैं, उसके रसूल की हैं और ईमान वालों की हैं। इज्जतें चाहिए अल्लाह के दर पे आओ, इज्जतें चाहिए रसूलुल्लाह के रास्ते पर आओ, पक्के सच्चे ईमान वाले बनकर रहो, इज्जतें तुम्हारे कदम चूमेंगी। अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन कलम की कसम खाकर, कलम से लिखी हुई चीजों की कसम खाकर अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि आपके लिए गैर मुनक़ति अज्र है और आप बेहतरीन अखलाक के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खा खा कर एक मौके पर कुफ्फारे मक्का कहने लगे इनको तो इनके रब ने छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि इनका रब इनसे नाराज हो गया, ऐसा लगता है कि जो इनके पास आता था वो इनसे रूठ गया। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से एक खास वाक़े में वही कुछ दिनों रुक गई थी। बाज मुफस्सिरीन ने कहा 15 दिन, बाज ने कहा इससे कमोबेश, बाज ने कहा 6 महीने। अल्लाह तबारक व ताला जैसे कुफ्फारे मक्का ये कहने लगे, चीमी गोलियां बढ़ने लगी, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल औला वलसौफ़ युअ्तीक रब्बुक फ़तरज़ा। एक तर्जमा, कसम है रोशन सुबह की, वज़ुहा कसम है रोशन सुबह की, कसम है अंधेरी रात की, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं,
और वो तुझ पर नाराज नहीं हुआ, और आखिरत तेरे लिए दुनिया से बेहतर है, और तेरा रब तुझे इतना आता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। ये एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा, आशिकाना तर्जमा, आरिफाना तर्जमा, वज़ुहा, वज़ुहा, कसम है तेरे तेरे रोशन चेहरे की है, सुभान अल्लाह, वज़ुहा, कसम है तेरे रोशन चेहरे की, वल्लैल इज़ा सजा, कसम है तेरी बिखरी हुई सियाह ज़ुल्फ़ों की, वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरा रब भला तुझे छोड़ भी सकता है, तेरा रब भला तुझ पर नाराज भी हो सकता है, वलल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, दुनिया भी तेरे लिए और आखिरत भी तेरे लिए, लेकिन आखिरत दुनिया से बेहतर है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा, तेरा रब तुझे वो अता करेगा जिस पर तू राजी हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम को कहा था कि कोहे तूर पर आना है, हजरत मूसा चले, लोग पीछे रह गए, अल्लाह ने पूछा मूसा कौम कहाँ है, वअजिलतु इलैका रब्बी तर्ज़ा, रब तेरे पास जल्दी इसलिए आया ताकि तू राजी हो जाए, वअजिलतु इलैका रब्बी तर्ज़ा, ए परवरदिगार तेरे पास जल्दी इसलिए आया ताकि तू राजी हो जाए। और यहाँ महबूब को देखें, जरा दिल के कानों से सुने, मूसा अलैहि सलाम कह रहे जल्दी इसलिए आया कि या अल्लाह आप राजी हो जाएं, और अल्लाह यहाँ पर कह रहा है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा, ए मेरे महबूब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए, तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, हाँ अब बार बार चेहरा ऊपर उठाते हैं कि क़िबला वापस से काबे उला क्यों नहीं हो जाता, हम देखते हैं आपका चेहरा उठाना, चलिए हमने आपका क़िबला वही काबा कर दिया, क्यों, ताकि आप राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएं। मेरे भाइयों, जिसका ये मकाम हो, जिसका ये मर्तबा हो कि उधर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया, इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान फैसला करना, और वला तत्तबिअल हवा, ख्वाहिश का इत्तिबा न करना, पैरवी ख्वाहिशात की मत करना, वहां कहा कि वला तत्तबिअल हवा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा लितर्ज़ा, मूसा कह रहे हैं कि मैं जल्दी इसलिए आया कि आप राजी हो जाएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं, कहते हैं वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ए अल्लाह मुझे जन्नतुन नईम अता कर देना, यूं कहते हैं वजअलनी लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, ए अल्लाह बाद वालों में मेरा जिक्र खैर बाकी रखना, मूसा दुआ करते हैं, कहते हैं रब्बि शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी, ये नबी दुआ कर रहे हैं। इधर हजरत दाऊद को कहा वला तत्तबिअल हवा, ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी न करना, और इधर अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के बारे में कहता है मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा ग़वा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा ग़वा, तुम्हारा साथी मेरा महबूब न गुमराह हुआ है न ख्वाहिशात नफ्सानी पर चलता है। इधर हज़रत इब्राहिम की दुआ वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ए परवरदिगार मुझे जन्नतुन नईम देना, इधर अल्लाह कहता है बिन मांगे इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको नहर कौसर अता की, हमने आपको हौज़ कौसर अता की, इधर हज़रत इब्राहिम कहते हैं वजअलनी लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, बाद वालों में मेरा तज़किरा बाकी रखना, अल्लाह ताला ने दुरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर रखवा दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम का तज़किरा, और इधर अल्लाह कहता है बिन मांगे कहता है वरफअना लक ज़िक्रक, वरफअना लक ज़िक्रक, वरफअना लक ज़िक्रक, अल्लाह जिसके मर्तबे को बुलंद करे उसके मर्तबे को कौन घटा सकता है, चाहे कोई
कोई मुल्क में कोई इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसा ही कीचड़ उछालने की कोशिश करे, कितना ही इंसान सूरज पर थूकने की कोशिश करेगा, वो थूक उसी के चेहरे पर आएगा और उसी के चेहरे पर बदनुमा दाग बनकर रहेगा। हजरत मूसा दुआ करते हैं, रब शाहली सदरी, ए परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, शरह सदर अता कर दे। अल्लाह ताला बिन मांगे कहता है, अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के हवाले किए जाते हैं, फरिश्तों पर फरिश्ते आते हैं, हमारी मदद ले लीजिए, हमारी मदद ले लीजिए। हज़रत इब्राहिम कहते हैं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला कहता है, मेरे महबूब, मेरे नबी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, हस्बुकल्लाह, ए नबी अल्लाह तुझे काफी है, अल्लाह तेरे लिए काफी है। ये मैं सीरत की बातें आपको अभी कुरान से बतला रहा हूँ, कुरान से बतला रहा हूँ अभी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये तो अभी आपको मैं कुरान पाक से अर्ज कर रहा हूँ। अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह बनाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को मोम कर दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख़र कर दिया, जिन्नात पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम किया, ईसा को रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बनाया, कलिमे कुन से उनको पैदा फरमाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, व कल्लम मूसा तकलीमा, हज़रत दाऊद के लिए लोहे को मोम किया, वो अलन्ना लहुल हदीद, हज़रत सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख़र किया, वली सुलेमान रीहा आसिफा, और इधर हज़रत आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इधर हज़रत दाऊद के लिए लोहा मोम, सुलेमान के लिए इंसानों पर, जिन्नातों पर और तमाम चीजों पर हुकूमत ऐसी कि ला यंबगी लि अहद मिन बादी, ऐसी हुकूमत, ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, ऐसे हाथ फेरे, दम करें, मादरजाद अंदा अच्छा, मिट्टी का परिंदा उड़ता हो जाए, मुर्दे को कहें कुम बिइज़्निल्लाह खड़ा हो जाए। मेरे और आपके आका के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, क्या किया? तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि हाँ, मूसा का कलीमुल्लाह होना अपनी जगह, इब्राहिम का खलीलुल्लाह होना अपनी जगह, ईसा का रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह होना अपनी जगह, दाऊद के लिए लोहे का मोम होना अपनी जगह, सुलेमान के लिए हवाओं का और इंसान और जिन्नातों पर हुकूमत का होना अपनी जगह, लेकिन मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब से अफजल वो अता किया जो किसी को अता नहीं किया, और वो ये कि जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मेरे महबूब आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा। अजान में अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, कलमे में कलमे तौहीद में अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, कलमे शहादत में अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, अर्श के पाए पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, जन्नत के दरख्तों के टहनियों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, जन्नत के दरख्तों के तनों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, हूरों की पेशानियों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम, और हमेशा हमेश के लिए जो कलमा बदला न जाएगा और जिसके बगैर कोई ईमान वाला हो नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सच है के मोहम्मद नबी हैं, खुदा नहीं है, ये सच है कि मोहम्मद नबी हैं, खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं है।
तो मेरे भाइयों, ऐसे प्यारे महबूब आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको अता किए गए हैं। ऐसे आका की सीरत को अपनी जिंदगियों में अपनाओ, ऐसे आका की सीरत को अपनी जिंदगियों में अपनाओ। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक आध वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ और फिर एक दो बातें अर्ज करके इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। और पीछे मस्तूरात भी मौजूद हैं, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला कुछ उनके काम की बातें भी इस दरमियान कहलवा दे। देखो माएँ बहनें बहुत तवज्जो से सुने, आपके काम की बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है 22वें पारे में पहले सफ़हे पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़रन फी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुज जाहिलियत अलूला वअक़िमन सलाह वआतीन ज़कात वअतीन अल्लाह रसूला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए औरतों की जमात, तुम अपने घरों के अंदर करार पकड़ो, घरों के अंदर करार पकड़ो, घरों के अंदर रहने को अपनी इज्जत समझो। करार की जिद आता है फिरार, करार की जिद आता है फिरार, जिसको हिंदी में फरार बोलते हैं, फरार। करार की जिद है फिरार। जिन घरों में मस्तूरात में करार पाया जाता है उन घरों की बहनों और बेटियों के बारे में फिरार की खबरें नहीं आती, फिरार की खबरें, भागने की खबरें उन घरों से आती हैं जिन घरों में करार नहीं पकड़ा जाता। अज़वाज मुतहरात को जिनसे पाकीज़ा ख्वातीन नहीं हो सकती, उनको मुखातब बनाकर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपने घरों के अंदर करार पकड़ कर रहो, घरों के अंदर रहो। और जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा होकर ना निकलो। आजकल औरतों के दरमियान से पर्दा, जो फर्ज के दर्जे की चीज है, जैसे नमाज फर्ज है, जैसे जकात फर्ज है, जैसे मालदार साहिब इस्तेआत पर हज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, वैसे ही औरतों पर उनकी इज्जत, उनके नामूस की हिफाजत के खातिर, उनके मकाम और मर्तबे के बुलंदी के खातिर उन पर पर्दे को फर्ज किया गया है। अगर ये पर्दा हमारी बहनों के की जिंदगियों में आ जाए तो यकीन मानिए, ये जो दिलों को दहला देने वाली खबरें जो छपती रहती हैं और व्हाट्सएप पर गर्दिश करती रहती हैं और जो खबरें इन कानों को सुनने को मिलती हैं, इंशाअल्लाह इन खबरों से नजात मिल जाएगी। ये उसी वक्त होगा जबकि घरों के अंदर तालीम को जिंदा किया जाए, जबकि घरों के अंदर तालीम के हलके हों, कुरान पाक के हलके हों और घरों के अंदर नेक माहौल कायम किया जाए। जब माँ सुधरती है तो फिर बेटियों को अलग से सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जड़ अच्छी हो तो तना खुद ब खुद मजबूत रहता है। और अरबी जुबान में माँ को उम्मुन कहा जाता है, जिसका एक तर्जमा जड़ होता है। जब जड़ सुधरी होती है तो तना खुद ब खुद सुधरा होता है। एक आध वाकया मैं अर्ज करता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, आप में से हर एक ने उनका नाम तो सुनी रखा होगा। अरे सुन रखा है ना, अल्लाह के वलियों, ये अल्लाह के वलियों की बस्ती है। और माशा अल्लाह आपकी ये आधी रात में चाको चौबंदी और चुस्ती और आपकी एक्टिविटीज बतला रही है कि माशाल्लाह बेदार दिल और बेदार मग्ज लोग हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अरे सुना है ना भाई, अरे सुना है कि नहीं सुना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये उस जमाने में, वो उस जमाने का हिंदुस्तान, उस जमाने का भारत,
किस जमाने का, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, नेपाल भी शामिल, भूटान भी शामिल, और भी जो अखंड भारत कहा जाता था, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। उस जमाने का एक लंबा सा सफर तय करके, गर्मी की बड़ी शिद्दत की धूप में तपते हुए और बरसात में भीगते हुए और सर्दी के थपेड़े बर्दाश्त करते हुए और सर्दी में झुलसते हुए बहुत लंबा सफर तय करके हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पहुंचे। मामूल के मुताबिक वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और बड़े अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और हाथ का बोसा लिया अदब के मुताबिक और अदब से बैठ गए। कुछ हाथ पांव दबाने लगे। ये नौजवान जो है ना, जिनको मैं कह रहा था कि ये बड़े अच्छे प्यारे नौजवान हैं, प्यारे दोस्त हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अपनी माओ की और अपने वालिद की खिदमत करना सीखो, इनसे दुआएं लेना सीखो। जब इनसे दुआएं लेना सीख जाओगे तो अलग से दुआएं कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे दुआएं लेने वाले बनो। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, सोने से पहले 10 मिनट के लिए माँ बाप के कदमों में बैठो, उनके जरा पैर दबाओ, जरा पैर दबाओ, उनके सर में जरा तेल लगा दो, उनके हाथ पांव दबा दो, उनसे पूछ लो, अम्मी जान कोई मेरे लायक काम हो तो आप बतलाएं, कोई सामान अगर लाना हो तो बतलाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, गोलियां खत्म हो गई हो तो बतलाएं, मेडिकल से मैं दवाई लेकर आ जाऊंगा कल आपके लिए, अगर बाम की जरूरत हो बाम ले आऊं, विक्स की जरूरत हो विक्स ले आऊं, ये 10, 20, 50 रुपए जिसकी आपकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं, 299 का रिचार्ज वैसे उड़ा जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि 302 रुपए कब खत्म हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता। और तो और इससे ज्यादा भी मैं ज्यादा आगे तो नहीं बोलूंगा, वरना हमारे नौजवान दोस्त वो नाराज हो जाएंगे कि मौलाना साहब तो जो है हमारा जो है राज खोलने लग गए हैं। तो मैं अर्ज करूंगा मेरे नौजवान दोस्तों, जो आप लंबे चौड़े महंगे महंगे गिफ्ट जो पता नहीं कहां कहां दे रहे होते हो ना, जरा सा अम्मी जान के लिए भी कभी साल में 2 मर्तबा कपड़े लेकर आ जाया करो, कभी अम्मी के लिए उनकी मनपसंद कोई खाने पीने की चीज लेकर आ जाया करो। वो जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी जिंदगी में वफादार बनकर कैसे रह सकती है? और वो जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में पाला और उसके बाद एक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर तुम्हें जन्म दिया और 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया और 4 साल तक 3 साल तक तुम्हारी गंदगी को साफ किया, सर्दी न गर्मी न बरसात देखी, हर तरह का सुख तुम्हें देने की कोशिश की और हर तरह से जब तुम बीमार हुए, उसने ऐसे इंसान की तरह जिसको सांप ने डस लिया हो, बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसे तड़पते हुए रातें जिसने बसर की, उसको छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? ऐसे मां बाप के वफादार बनकर जिंदगी गुजारना सीखो। मां बाप तो अगर मुशरिक हो तो भी सिला रहमी के हकदार हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत से अर्ज कर रहा हूं, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि नबी जी, मेरी माँ आई है मक्का से मदीना और कुछ उम्मीद लेकर आई है, कुछ रगबत लेकर आई है कि मैं कुछ उनके साथ अच्छा बर्ताव करूं, कुछ उनकी मदद वदद कर दूं, लेकिन वो मुशरिका है, ईमान नहीं लाई है, क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं, सिला रहमी करूं, अच्छा बर्ताव करूं? आका ने फरमाया, सिलीहा, हाँ, उनके साथ सिला रहमी कर, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर। एक हदीस में आका ने फरमा दिया कि माँ बाप का क्या हक है, सुनना चाहते हो सुनो, वो तुम्हारी जन्नत है या तुम्हारी दोजख है, इससे बढ़कर और क्या होगा? कि माँ बाप अगर राजी है तो रब राजी है और माँ बाप अगर नाराज है तो रब नाराज है। मेरे नौजवान दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, 10 मिनट माँ बाप के कदमों में बैठना सीखो। तुम अपने उनके लिए जिनको अपने दिल से करीब रखना चाहते हो, उनसे कहते हो कि एक इशारा तो करो, एक हुक्म तो दो, 5 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा, कौन से चौराहे पर बुलाते हो, 5 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। कभी माँ की आवाज भी तो सुनने वाले बनो, कभी माँ की आवाज भी तो सुनने वाले बनो।
एक सहाबी हैं हजरत हारिसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज को मैंने जन्नत में सुना है। जन्नत में तिलावत की आवाज को सुना है कि वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। पूछा, हारिसा बिन नुमान तुम्हारा अमल क्या है? फरमाया, अपने माँ की खिदमत करता हूँ, माँ की खिदमत करता हूँ। बड़े फर्माबरदार थे। बाद हजरात ने जिक्र किया है कि वो अपनी अम्मी जान के कपड़े भी धो दिया करते थे। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, अगर कभी घर में झाड़ू हम निकाल देंगे, अल्लाह के घर की झाड़ू निकालते हैं, अल्लाह के घर की झाड़ू निकालते हैं, कभी माँ के सामने खिदमत करके तो देखो, कभी कभी माँ के सामने घर का छोटा मोटा काम करके तो देखो। खुदा पाक की कसम खा कर कहता हूँ, वक्त का कोई कुतुब हो, कोई वली हो, कोई अब्दाल हो, कोई गौस हो, कोई कितना ही बड़ा वो मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, कोई माँ की दुआओं के बगैर नहीं बना है, कोई माँ की दुआओं के बगैर नहीं बना है। ये जितने यहाँ बैठे हैं, ये आपके सरों के ताज जो बैठे हैं, ये जो इल्म के पहाड़ यहाँ बैठे हैं, ये आपके इमाम और मुक्तदा बनकर जो बैठे हैं, ये सब इनकी माँ की दुआओं की बरकतें हैं जो इन्हें इज्जतें अता कर रही होती हैं, करवा रही होती हैं। मेरे भाइयों, अगर इज्जतें चाहते हो, माँ बाप के फर्माबरदार बनकर जिंदगी गुजारो और उनका कहना मानने वाले बनो, वरना कयामत की निशानियों में से यह है कि बेटियां अपनी माओं की नाफरमान हो जाएंगी, वो जुबानें दराज करने लग जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे माँ माँ नहीं बेटी है और बेटी बेटी नहीं माँ है। ऐसा लगेगा जैसे बाप बाप नहीं वो औलाद है और औलाद औलाद नहीं वो बाप है। ऐसा लग रहा होगा, ये इस जमाने में देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगा नौजवान दोस्तों से कि अपने माँ बाप को गनीमत समझो, अपने माँ बाप को गनीमत समझो। माँ बाप की दुआओं के बगैर, माँ बाप की दुआओं के बगैर कोई तरक्की हासिल नहीं हो सकती, कोई तरक्की हासिल नहीं हो सकती। ये उलमा हजरत हैं, आप इकराम कर रहे हैं, इतना इकराम कि ये हार फूल से गले भर जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है, इकराम आपका मुबारक, आपका इकराम काबिले एजाज, लेकिन कभी अपनी माँ के साथ भी इज्जत से पेश आकर देखो। माँ बाप के साथ अगर इसका दसवां हिस्सा भी आप इकराम करने वाले बन जाएंगे, खुदा पाक की कसम, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत आपके मुकद्दर में लिख देगा। तो मेरे भाइयों, अरे इरादा करते हो ना जिनके माँ बाप जिंदा हैं कि उनका दिल कभी नहीं दुखाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं। कौन कौन इरादा करते हैं, पक्का इरादा करते हैं इंशाअल्लाह मरते दम तक माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो लंबे सफर से थके थकाए घर पर पहुंचे, माँ के हाथ का बोसा लिया, सलाम किया, अदब से दो जानू होकर बैठ गए और अपने सफर की कार गुजारी सुनाने लगे। ओ मेरे भाइयों, दिन भर की कार गुजारी अपने अम्मी अब्बा के सामने सुनाया करो, उनका दिल खुश होगा। अगर आपको कामयाबी मिली है, उनका दिल खुश होगा। कहीं पर अगर आपको नुकसान हुआ है, दुकान में कारोबार में, आप सुनाओगे, उनके हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ जाएंगे और उनकी दुआएं जब जब होंगी, उनके आंख से आंसू जब निकलेगा, इंशाअल्लाह वो अर्श इलाही को हिला देगा, आपके मसाइल हल करवा देगा। तो कारगुजारी सुनाने लगे, सुनाते सुनाते चूंकि चेहरा, एक तरफ सफर की थकान थी लेकिन चेहरा बड़ा खिला हुआ था, अम्मी जान कहने लगी, बेटे क्या बात है, बड़े खुश और खुर्रम नजर आ रहे हो, सफर की थकान है लेकिन थकान महसूस नहीं हो रही है, बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट है और हशाश बशाश तबीयत के नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहने लगे, अम्मी जान मैं क्या बतलाऊं, ये सफर में तो कमाल हो गया। अरे क्या हुआ, जरा बतलाओ तो सही। माए बहने वो बहुत ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने कि क्या हुआ, कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया, बतलाओ तो सही। यार अम्मी जान मैं क्या बतलाऊं, इस सफर में तो ऐसी कामयाबी मिली है कि इससे पहले किसी सफर में ऐसी कामयाबी मिली नहीं।
क्या हुआ बतला तो सही। कहने लगे अम्मी जान इस मर्तबा तो मैं जिधर निकल गया उधर ईमान की शमा जलती चली गई ईमान का नूर फैलता चला गया। इस सफर में अल्लाह तबारक व ताला ने 7 लाख गैर मुस्लिमों को मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने का शरफ अता फरमाया है और 70 लाख मुसलमानों को 70 लाख मुसलमानों को तौबा की बेअत करने की तौफीक नसीब फरमाई है। ये इतनी बड़ी सआदत है तुम्हें खुश क्यों ना हो। वाकईतन ये बड़ी सआदत मंदी की बात थी खुश होने का मौका था। अम्मी जान कहने लगी बेटे मोइनुद्दीन ये जो तुझे कामयाबी मिली है बड़ी कामयाबी है लेकिन इसमें कमाल तेरा नहीं है इसमें तो कमाल मेरा है। इसमें कमाल तेरा नहीं है इसमें तो कमाल मेरा है। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी हैरत भरी नजरों से अम्मी जान को देखने लगे और कहने लगे अम्मी जान इतना तो मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल सकती इतना तो मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल सकती। आ क्या तरबियत की थी माने बेटे की कि बेटे को यकीन है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती है मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगा अम्मी जान इतना तो मुझे यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल सकती लेकिन मैं आपका नादान बेटा हूं ना समझ हूं आप समझा दीजिए कि सफर की तकलीफें मैंने बर्दाश्त की भूख प्यास मैंने बर्दाश्त की गर्मी सर्दी मैंने बर्दाश्त की और आप कह रही हैं कि कमाल आपका है कमाल मेरा नहीं है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है आप समझा दीजिए। कहने लगी माएं बहनें दिल के कानों से सुने कहने लगी बेटे दरअसल बात ये है कि जब तू पैदा हुआ था और 2 साल तक तुझे दूध पिलाने की खिदमत जो मैंने अंजाम दी तो जब जब भी दूध पिलाना होता था तो मैं तुझे वैसे ही आंचल में नहीं छुपा लेती वैसे ही तुझे सीने से नहीं लगा लेती। जब भी दूध पिलाना होता पहले मैं वुजू करती थी वुजू करने के बाद बा अदब बा पर्दा होकर मैं बैठती थी फिर तुझे अपने सीने से लगाती थी आंचल में छुपाती थी और फिर तुझे मैं दूध पिलाया करती थी। गोया मैंने तुझे सिर्फ दूध नहीं पिलाया बल्कि दूध के हर हर कतरे के साथ विलायत का नूर पिलाया है जो विलायत का नूर लेकर तू जिस जिस इलाके में चला गया उधर ईमान की शमा जलती चली गई। यह है माओ की तरबियत का अंदाज। ऐसी जब माएं होती हैं माएं जब बापर्दा होती हैं माएं जब बाहया होती हैं माएं जब गैरतमंद होती हैं माएं जब घरों में करार पकड़ने वालियां होती हैं माएं जब नमाजों की पाबंद होती हैं माएं जब सदकात की पाबंद होती हैं माएं जब मुसल्ले पर बैठने वालियां होती हैं माएं जब एतकाफ करने वालियां होती हैं माएं जब दुआ जिक्र करने वालियां होती हैं और माएं जब घर के माहौल को दीनदार माहौल बनाकर रखने वालियां होती हैं तो फिर बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसा पैदा होता है। और जब माएं बिगड़ जाएं बेगैरत हो जाएं बेहया हो जाएं बेपर्दा होकर बाजारों में निकल आएं जब शादी के नाम पर नाच गानों में डांस करने वालियां बन जाए घर का काम कर रही हो तो एयरफोन कानों में लगे हो और गाने चल रहे हो थोड़ी देर अगर लेटने का टाइम मिल जाए तो मोबाइल में गंदे गंदे वीडियोस और गंदी गंदी फिल्में देख रही हो तो फिर औलाद अल्लाह के वली नहीं बल्कि यकीनन फिर शैतान के चेले पैदा होंगे। फिर कहती फिरती हैं कि हमारे तो बच्चे पर पता नहीं कौन से जिन्नात का असर हो गया है और फिर लूटने वाले भी जरा अच्छे से ढंग से लूटते हैं पता नहीं किसका असर हो गया है कारोबार नहीं चल रहा है पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ करा दिया। अब जब वो बच्चा जवान हो गया
वो बच्ची जवान हो गई, जब वो जुबान दराजी करने लग गई, जब वो रात को देर रात तक मोबाइल चलाने लग गई, जब वो देर रात तक पता नहीं किस किस से किस किस बहाने से बातें करने लग गई, वो देर से घरों में आने लग गए और वो देर से घरों में आने लग गई, तो फिर कहीं मौलाना के पास जाते हैं, कहीं मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, कहीं आलिम साहब के पास, तो कहीं बनावटी आमिल साहब के पास जाते हैं, कहीं कोई पांच जुमेरात बुला रहा होता है तो कहीं कोई पांच मंगल चक्कर कटवा रहा होता है, और हर मर्तबा की फीस अलग होती है। और फिर ऐसा लगता है कोई नेक इंसान हुआ तो मशवरा देगा कि एक काम करो बेटे को 40 दिन जमात में भेज दो, कोई मशवरा देगा एक काम करो फला मस्जिद के जो इमाम साहब है बड़े अच्छे नेक इंसान हैं, एक काम कीजिए कि उनके पास ज़रा आप भेजा करो, कोई कहेगा वो बड़े अल्लाह वाले हैं वो आए थे एक काम करो ज़रा उनसे कॉन्टेक्ट करो, कोई कहेगा फला खानकाह में भेज दो। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप ने जानबूझकर औलाद को बिगाड़ने का ठेका लिया है, और कुछ हैं अल्लाह वाले बिगाड़ने के बाद फिर उनके हवाले करने का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रहे होते हैं। तरस खाओ अपने आप पर और अपनी औलाद पर। सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज इस वक्त में जो है वो नंबर एक अपने ईमान को बचा कर रखना, सबसे बड़ा चैलेंज अपने ईमान को बचा कर रखना। नंबर दो अपने बच्चों की बच्चियों की दीनी अच्छी तरबियत करना, ये दो इस वक्त के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, अपने ईमान को बचा कर रखना और नंबर दो अपने बच्चों और बच्चियों की दीनी तरबियत करना, ये वक्त के बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उनवान से जब हम जमा हुए हैं, तो मेरे भाइयों एक दो बात और अर्ज करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूँगा अगर आप कहेंगे तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की। भाई सब बोलो एक साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी? 8 साल की। मक्का मुअज्जमा के अंदर कहत पड़ा, बारिश नहीं बरस रही, मवेशी तरस रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों के इस्तेमाल का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान, मवेशी परेशान, हर तरफ कोहराम मचा है कि कहत पड़ा हुआ है, कोई तो तदबीर इख्तियार की जाए कि बारिश बरस जाए, कोई तो तदबीर इख्तियार की जाए। लोग जमा हुए, दादा अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे जो सरदारा ने कुरैश थे सब चले आ रहे हैं मक्का मुअज्जमा के अंदर से काबतुल्लाह के पास, सब आकर इकट्ठे हो रहे हैं और हर कोई दुआ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, दुआ कर रहा है, मांग रहा है, जिसका जैसा नजरिया, जिसका जैसा अकीदा, वो दुआ मांग रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला बारिश बरसा दे, अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। हर कोई अपने अपने माबूद को पुकार रहा है कि बारिश बरस जाए, बारिश बरस जाए। और बड़े मज़े की बात ये कि मुशरिकीन का हाल भी ये था कि जब कोई बड़ी मुसीबत आती थी ना, तो उस वक्त में सबको छोड़कर एक अकेले अल्लाह को ही पुकारते थे। मुशरिकीन का हाल भी ये था कि जब बड़ी मुसीबत आए तो बाकी सबको छोड़ दें, जितनों को भी पुकारते हों एक अकेले अल्लाह को पुकारने लगते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, चचा अबू तालिब का जमाना था, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र आपकी उम्र मुबारक है, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हैं, लोग सब के सब दुआ कर रहे हैं लेकिन बारिश, अरे बोलो ना भाई, बारिश नहीं बरस रही, सब दुआ करने में लगे हुए, अलग अलग कबीले के लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं बरस रही, और चचा अबू तालिब वो भी दुआ करने में लगे हैं लेकिन बारिश नहीं बरस रही। प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास आते हैं, काबतुल्लाह के पास जैसे ही तशरीफ लाते हैं और इधर
उंगली उंगली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली ऊपर को उठाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक उंगली ऊपर को उठाते हैं। ऊपर कोई अब्र नहीं था, कोई बादल नहीं था। प्यारे नबी ने जैसे ही उंगली उठाई, अल्लाह तबारक व ताला जो आका अलैहि सलातु व सलाम के सदके में दुनिया को वजूद आता करने वाला है, तो अल्लाह तबारक व ताला आका अलैहि सलातु व सलाम के उंगली उठाते ही रब तबारक व ताला रहमत की घटा इधर से उधर से उधर से इधर से चारों सिमतों से रहमत की घटाओं को अल्लाह तबारक व ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगली की तरफ जिधर आका की उंगली थी उधर अब्र बारा को भेजता है और रब तबारक व ताला रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा देता है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में मुबारक बचपन में आपकी बरकतें, बल्कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए मेरे भाइयों, आप तो एक वाले थे, एक की तरफ लोगों को लाने वाले थे, तौहीद की दावत देने वाले थे, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाने वाले थे। रिवायतों में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाते ही आपने एक अकेले अल्लाह को सजदा किया है। कहो सुभानअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाते ही अल्लाह तबारक व ताला को सजदा किया और ये पैगाम दिया है कि ये पेशानी अगर झुकेगी, अगर ये नाक रगड़ाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये जबीरे नियाज खब हो सकती है एक अकेले अल्लाह के सामने, एक अकेले अल्लाह के सामने। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने सातवें पारे में वो दिल का हुज्जतुना आतैनाह इब्राहिम अला कौमी ये वाला जो सफा है, इसमें तकरीबन 18 नबियों का नाम जिक्र किया, 18 नबियों का नाम एक ही सफे में जिक्र किया और फरमाया वलौ अशरकू अगर ये अंबिया भी शिर्क करें बिल फर्ज, हालांकि नबी गुनाह से पाक होता है, गुनाह छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, सगीरा हो, कबीरा हो, नबूवत से पहले हो, नबूवत के बाद हो, हर एक गुनाह से अंबिया मासूम हुआ करते हैं, लेकिन अला सबीलिल फर्ज अगर ये भी शिर्क करे तो इनके सारे आमाल खत्म हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही। और एक जगह तो ये कहा हुजूर को मुखातब बनाकर हम लोगों को बताने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए कि लइन अशरकत लयहबतन अमलुक, ए मेरे महबूब अगर आपने भी शिर्क किया तो आपका भी अमल खत्म हो जाएगा। हालांकि आप शिर्क तो दरकिनार, कोई छोटा सा गुनाह भी आपसे सरजद नहीं हुआ है, आप तो मासूम हैं, बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आपने भी शिर्क किया तो आपका सारा अमल खत्म हो जाएगा, किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ओ मेरे शाजापुर वाले भाई, मैं बतलाऊं आपको जब शादी होने वाली होती है ना, चूंकि माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, माएँ बहनें भी मौजूद हैं, जब शादी होने वाली होती है ना तो क्या करते हैं कई लोग, मुझे आपका तो पता नहीं, आप तो बड़े नेक लोग मालूम होते हैं माशाल्लाह, बड़े सुधरे हुए नेक लोग मालूम होते हैं कि आप यहाँ पर नेक मजलिस में नेक मुनासबत से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप तो बड़े नेक लोग होंगे, लेकिन कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा पता चला बाज़ जगहों के बारे में, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कई जगहों पर क्या होता है कि जब शादी होने वाली होती है, शादी होने वाली होती है, तो वो जो दुल्हा होता है ना, नया नया जो दुल्हा होता है, उसको ले जाते हैं कहां पर, मजार मुकद्दस पर दरगाह मुबारक पर, अरे ले जाते हैं, ऐसा है आपके यहां भी ऐसा क्या, अरे ऐसा आपके यहां तो नहीं होगा, है आपके यहां भी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर है तो पता चला कि नहनु रुक्काबु सफीनतिन वाहिदा, कि फिर तो एक ही कश्ती के सवार हैं, कि कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं, है ना, तो वो क्या करते जब शादी होने वाली होती है ना, अरे कंवारे भी हैं यहाँ, अरे हैं तो आज अज़्म करना है, पुख्ता इरादा करना है, और जिनकी शादियां हो गई उन्होंने अगर ऐसा किया तो आज तौबा करना है, और माएँ बहनें जितनी पर्दा नशी बैठी हैं सुन रही हैं, वो भी दिल के कानों से सुन लें और अपने अपने दिलों पर लिख लें कि ये काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जब शादी होने वाली होती है तो वो दूल्हे को लेकर जाते हैं किसी दरगाह पर, और वहां जाकर कहते हैं कि सलाम कराने ले जा रहे हैं,
और सलाम नहीं होता है बल्कि सजदा होता है। अरे ईमानदारी से बताना, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है? हाथ तो उठा जरा सा, हाथ उठा। अरे ज्यादा लोग हाथ उठा देंगे तो नजर नहीं आएगा किस किसने उठाया था, बाद में कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। अरे ऐसा होता है ना? और दुल्हन भी, दुल्हन भी, वो नहीं नहीं उसकी शादी हो रही है, नई एक जिंदगी शुरू करने वाली। तमाम नबियों की सुन्नत निकाह, वो एक मुबारक जिंदगी, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर 18 साल 20 साल अपने माँ बाप के आगोश में जिंदगी गुजार कर एक नया घर बसाने जा रही है, और उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? शिर्क से हो रही है। उसकी शुरुआत कौन से काम से? शिर्क से हो रही होती है कि उसे सलामी के नाम पर किसी दरगाह पर ले जाया जा रहा होता है, वहां सर उसका झुकवाया जा रहा होता है, सजदा करवाया जा रहा होता है। मेरे भाइयों, इससे तौबा करने की जरूरत है। जितने कंवारे यहां पर हैं, वो पक्का सच्चा अज़्म करें कि इंशाल्लाह अपनी शादी के मौके पर ऐसा काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अरे कहो ना इंशाल्लाह, अरे जोर से कहो ना इंशाल्लाह। देखो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं, पता चला कि दूसरी शादी का इरादा है, इरादा है, इरादा है, माशाल्लाह। मसना व सुलासा व रुबा, और जो शादी कर चुके हैं आज वो पक्की सच्ची तौबा करें कि या अल्लाह हमसे गुनाह कबीरा हो गया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले, और हमने अपने बच्चों से गुनाह करवा लिया, ए अल्लाह तो हमें भी माफ़ फरमा दे, हमारे बच्चों को भी माफ़ फरमा दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आए ही सजदे की हालत में, बल्कि जब हजरत आमीना ने अपनी गोद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, हुजूर को जो अपनी गोद में लिया, तो रिवायतों में आता है कि घर की छत खुली, घर की छत खुली, और जैसे कोई अब्र आया, कोई बदली आई, और कुछ देर के लिए हजरत आमिना फरमाती कि कुछ देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि मेरा लाडला, मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर वो मेरी गोद में नहीं है बल्कि यहां से गायब हो गया। और आवाज आ रही थी कि तूफू भी मशारिक अल अर्द व मगारिबहा, कि इसको जो वजह कायनात है, जिसके सदके में दुनिया को बनाया गया है, इसको मशरक भी घुमा दो, मगरिब भी घुमा दो, शिमाल भी घुमा दो, जुनूब भी घुमा दो। क्यों? लियारिफु बिस्मिही वनातिही वसिफतिही, ताके सारे जमीन वाले, आसमान वाले, और तमाम इंसान और जिन्नात और फरिश्ते और सब के सब इनका नाम भी जान ले, इनकी सिफात भी जान ले, इनकी नात और इनकी खसलतें और इनके आदात और अतवार, इनके अखलाक से वाकिफ हो जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत ऐसी मुबारक हुई है। क्या मुबारक घड़ी रही होगी वो, क्या मुबारक घड़ी रही होगी वो, जिस वक्त में आका तशरीफ लाए होंगे के सितारे भी एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे होंगे, वो चांद और सूरज गोया वो आंख मिचोली खेल रहे थे के चांद रुखसत होने को है और सूरज आने को है, वो सूरज कितने इंतजार में, सरापा इंतजार बना होगा कि कब ये चांद यहां से खिसके और मैं आऊं और आका का दीदार करूं, और चांद कितना बेताब रहा होगा कि वो जाने को तैयार नहीं होगा कि काश मुझे और वक्त मिले, और वक्त मिले, और वक्त मिले। और वो अब हजरत आमिना फरमाती हैं कि खुशबुओं से पूरा घर मुअत्तर हो चुका था, और अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे सामने दूर दराज के महलात को सामने कर दिया था। तो बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुबारक सिफात, आपकी विलादत बासआदत और आपकी जो सीरत तय्यबा है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई है, इसलिए कि असल जो सीरत तय्यबा है, असल जो पैगामात लाए गए, दिए गए हैं,
वो इन्नका लमिनल मुरसलीन से पैगामात दिए गए हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वाली एक जिंदगी है 40 साल तक की, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली जिंदगी है 40 से 63 वाली। तो ये जो असल जिंदगी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, आपका अपनों के साथ बर्ताव, आपका परायों के साथ बर्ताव, वो पढ़ने सुनने समझने और अमल करने के काबिल है। इसलिए कि आपकी रिसालत की गवाही तो पत्थरों ने दी। सहाबी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम गुजर रहे होते, पत्थर आपको सलाम कर रहा होता, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था, वो दरख्त आपको सलाम किया करते थे। एक दरख्त जमीन को फाड़ता हुआ आया, झुका, फिर चला गया। आका आराम फरमा रहे थे, सहाबा ने आपको बतलाया, नबी जी जब आप आराम फरमा रहे थे वो दरख्त वहां से जमीन को फाड़ता हुआ आया, आपके पास झुका और फिर चला गया। आका ने फरमाया उस दरख्त ने अल्लाह से इजाजत तलब की थी कि मुझे सलाम करने की उसे इजाजत मिल जाए। अल्लाह ने उसे इजाजत अता फरमाई थी, वो मुझे सलाम करने के लिए आया था। ओट आपको पहचानते थे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो अपनी शिकायत आपसे कर रहे होते कि मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है और चारा कम देता है, मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है और चारा कम देता है। जिनकी माँ तहती में लोग काम करते हैं उनका हुक्म भी यही है, उनका हक भी यही है कि उनको चारा अच्छा दिया जाए, यानी उनको तनख्वाह अच्छी दी जाए और काम उनसे मुनासिब लिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई इस ऊंट का मालिक कौन है? कहा मैं हूं। क्या बात है? का ये मुझे बेच दो। का नबी जी आपसे क्या कीमत लेना, आप तो एक काम करिए हम हमको हदीये में दे देते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जिस घराने का है इस ऊंट के अलावा गुजर बसर का कोई और जरिया इसके अलावा नहीं है, इसी के जरिए गुजर बसर होता है। इस ऊंट पर पानी लाया जाता है और पानी धोया जाता है और फिर उस घर का गुजर बसर होता है। आका ने फरमाया अच्छा ये बात है तो सुनो कि मेरा इसको खरीदने का कोई इरादा नहीं। भाई थोड़ी देर ये चाय रोक देना, इधर इधर मत लाना चाय, है ना, इधर मत लाना। बाज लोग ऐसा कहते हैं कि चाय ने ही देश को बर्बाद कर दिया है, बाज लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। तो आका ने फरमाया कि भाई मेरा तो खरीदने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब तुमने ये बात बतलाई है तो सुनो, इस ऊंट ने शिकायत की है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और चारा कम देता है, चारा कम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके साथ अच्छा सलूक करो, इसके साथ अच्छा सलूक करो। ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे भी एक दरख्वास्त करूंगा, अक्सर व बेशतर जहां जाता हूं वहां दरख्वास्त करता हूं, आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने इमामों को तनख्वाहें अच्छी दो, अपने इमामों को तनख्वाहें अच्छी दो। आज ही मैंने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, कहा 6,500 रुपये। 6,500 रुपये इमाम की तनख्वाह, 6,500 रुपये। काम क्या है? मैंने कहा नमाज पढ़ाते हो? कहा मकतब भी पढ़ाता हूँ। मैंने कहा और? कहा अजाने भी देता हूँ, अजाने भी देता हूँ। 6,500 रुपये ये कोई तनख्वाह है मेरे भाई? लोग फिर भी कहते हैं कि हमें मुखलिस लोग नजर नहीं आते, मुखलिस लोग नहीं मिलते। इमामों से ज्यादा मुखलिस भी कोई होगा? इमामों से ज्यादा मुखलिसीन की जमात भी कहीं पर होगी? 200, 250, 300 रुपए रोज में पूरे दिन जुते रहते हैं बेलों की तरह, पूरे दिन जुते रहते हैं। मकतब भी संभालना है 3 वक्त, नमाजें भी पढ़ाना है सेकंड वाली। पहले तो नमाजें जो होती थी ना मिनट वाली होती थी, वो हमारे हजरत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उस जमाने में जो घड़ियां चलती थी वो टन टन टन, वो जितने बजते थे घड़ी में उतनी घंटी बजा करती थी। तो हजरत फरमाते थे कि टन वाली नमाज होती है, टन वाली।
लेकिन अब तो जमाना बदल गया है, अब तो सेकंड वाली नमाज होती है, सेकंड वाली। इलेक्ट्रॉनिक वॉच आ गई है, दीवारों पर लगी होती है। अगर 2 बजे जमात है तो 1:59:50 से ही इमाम के लिए बगलों में झांका जाना शुरू हो जाता है। इमाम साहब है तो सही ना, दिख तो रहे ना, जरा और 5 सेकंड और ऊपर हुए, थोड़ा सा पीछे मुंह घुमा कर देखेंगे आए कि नहीं आए भी। और जहां 2 बजे फिक्स, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, 2 बजे और झट से कुर्ता सही करके और खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब आए या नहीं आए। 1 मिनट अगर लेट हो गए तो ऐसा लगता है कि हार्ट पेशेंट था, इसको अटैक आने वाला है, ऐसा लगता है। अच्छा, ईमानदारी से आप खुद बतलाओ, 24 घंटे की जिंदगी में नमाज के अलावा कोई और काम भी ऐसा है आपका जो रोजाना टाइम टू टाइम होता है? नमाज के अलावा कोई ऐसा काम है कि नहीं? 3 बजे चाय होना तो होना, बेगम साहिबा दोपहर में 3 बजे और सुबह में फजर की नमाज के फौरन बाद यानी कि 6 बजे 6:01 भी ऊपर नहीं होना और मुझे चाय चाहिए। वो नई नवेली अगर आई होगी ना तब तो कुछ दिन सुन लेगी, नई नवेली आई होगी फिर तो कुछ दिन सुन लेगी, और जरा 1-2 महीने होने तो फिर तो वो बोलेगी और पूरा महल्ला सुनेगा। जरा सा पुराना होने तो उसको, वो सीनियर हो जाएगी ना, फिर तो आप उंगलियों पर नाचेंगे, फिर तो कहेगी पीना हो तो पी लेना, जब बनाऊं पी लेना, ज्यादा मन करे होटल पर जाकर पी लेना, या 3-5 नहीं करने का वरना 9-2:11 कर दूंगी, ऐसा होता है। और इमाम साहब पर हर कोई वो आकर भी रोब झाड़ता है जिसकी घर में ना बहू सुनती है ना बेटा सुनता है, कोई नहीं सुनता, और तो और वो खुद भी अपने आप की नहीं सुनता। रात भर करवट इधर से उधर बदलता रहेगा और सुबह से मस्जिद में पहुंच जाएगा और इमाम साहब की जान खाएगा। इमाम साहब ये पंखा कम क्यों चल रहा है, इसमें सेल क्यों नहीं लगवाया, इमाम साहब टंकी क्यों नहीं भरी, इमाम साहब वो वुजू खाने का नल जो है पानी टपक रहा है उसमें नल चेंज क्यों नहीं करवाया। वो किसी ने लिखा है कि एक बादशाह का एक हाथी था और वो हाथी को रुलाने पर उसने इनाम रखा, हाथी को रुलाने पर, कि जो इंसान भी हमारे हाथी को रुला देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई आ रहा है उसको कुछ ड्रामा करके दिखा रहा है, कोई आ रहा है कुछ और करके दिखा रहा है, कोई आ रहा है वो अपनी इनकम आके बता रहा है, कोई आ रहा है वो अपनी बीमारी आके बता रहा है, कोई कान में आकर बोल रहा है, कोई बबांगे ढोल चिल्ला रहा है, लेकिन हाथी को रोना नहीं। एक मौलाना साहब थे मजलिस में, चुपचाप से वो उठे, उठकर खामोशी के साथ संजीदगी मतानत के साथ हाथी के पास पहुंचे, उसके कान में जाकर धीरे से एक मंत्र पढ़ा, हाथी की आंखों से आंसू आ गए, हाथी रोने लग गया। सब हैरान परेशान, हम इतनी देर से जतन कर रहे थे और हाथी रो नहीं रहा था, और ये इमाम साहब ने आकर हाथी के कान में क्या पढ़ दिया, कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ दिया, या कौन सा ऐसा वजीफा पढ़ दिया, या क्या ऐसा कह दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि इमाम साहब को ये गुण भी आता है। कहते ना, हमें तो पता ही नहीं था इमाम साहब कि आप दम भी करते हैं। अरे इतना दम करते हैं कि महल्ले वाले दम ही निकाल देते हैं, इतना दम करते हैं। कहते ना, ऐसा दम करो आप, ऐसा दम करो कि मेरी दुकान पर ग्राहकों का तांता बंधा रहे। अरे भाई, दूसरे को भी खाने देना, सबके बदले का तू ही खा जाएगा क्या, दूसरों को भी खाने दे जरा। तो लोग हैरान परेशान के आखिर ये क्या बोल दिया इमाम साहब ने, हाथी के कान में आकर क्या बोल दिया।
जब बहुत ज्यादा इसरार किया गया कि आखिर बतलाएं तो सही आपने हाथी के कान में क्या बोला, तो इमाम साहब ने पस्त आवाज में धीरे से कहा कि मैंने कुछ और नहीं बतलाया, कुछ और नहीं पढ़ा, कोई मंत्र वंतर वजीफा नहीं पढ़ा, बस मैंने हाथी के कान में अपनी तनख्वाह बतलाई। जिसको सुनकर हाथी को भी रोना आ गया। काश कि ये सुनकर हमारे हमारी मस्जिदों के कमेटियों के जितने लोग यहाँ पर हों, जितनी जितनी मस्जिदों के कमेटी वाले यहाँ पर हों, काश उनको भी रोना आ जाए। भाई हैं कमेटी वाले भी हैं, तो इरादा करते हो ना अपने अपनी मस्जिद के, अपने अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह, बढ़वाएंगे भी सही, बढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कौन कौन बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके इरादों को कबूल फरमाए। और कभी कभी हदीये भी देते रहा करो इमाम को। सीरत सुनने के लिए बैठे हो ना, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दूसरे को हदीये दिया लिया करो, आपस में मोहब्बत बढ़ा करेगी, आपस में मोहब्बत बरकरार रहेगी। बहरहाल मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आध बात और आपको बतलाता हूँ और उसके बाद फिर रुखसत होता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आराबी आया, एक बद्दू आया, देहात का रहने वाला। भाई बोलो कौन आया, अरे भाई सब बोलो ना एक साथ। आराबी आया, कौन आया? आराबी, देहात का रहने वाला, बद्दू आया, देहात का रहने वाला इंसान। जैसे यहाँ पे आसपास बहुत सारे गांव खेड़े हैं, तो ऐसा देहात का रहने वाला एक आराबी आया और वो एक गोह का शिकार करके लाया, गोह का शिकार करके लाया। हदीस में अगरचे ज़ौफ है, लेकिन ये के हदीस ज़ईफ को उसके ज़ौफ की सराहत के साथ बयान किया जा सकता है, ये हजरत मुहद्दिसीन का फैसला है। तो वो गोह का शिकार करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, वो बद्दू आता है और आकर गोह को ऐसे फेंकता है, भाई गोह को निकाल कर ऐसे फेंकता है और पूछता है कि तुम में से मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वो हुजूर पर दुरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछता है हुजूर मोहम्मद कौन है? का ये है। अच्छा आप ये नबी होने का दावा करने वाले? का जी मैं ही हूँ। अच्छा आप यो नए दीन की तरफ बुलाने वाले? का हाँ भाई मैं ही हूँ। जब उसने ये बातें कही, गोह को फेंका, तो कहने लगा आपने नबी होने का दावा किया है? कहा हाँ। मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि ये गोह ईमान ना ले आए। ये गोह जो मरी हुई है, जिसका शिकार मैं करके लाया, जब तक ये ईमान नहीं लाती तब तक मैं ईमान नहीं लाऊंगा। अब गोह मरी पड़ी है, सहाबा इकराम देख रहे हैं, आका अलैहि सलातु वसलाम मौजूद, वो आराबी वहां मौजूद और कह रहा है जब तक ये गोह ईमान नहीं लाएगी तब तक मैं भी ईमान नहीं लाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये गोह ईमान ले आई तो तू ईमान ले आएगा? उसने कहा हाँ ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोह को मुखातब करके फरमाया अय्युहा ज़ब ए गोह فأجاب بلسان عربي فصيح مبين तो वो गोह बोली, कहो सुभान अल्लाह, वो गोह बोली अरबी जुबान में, साफ सुथरी जुबान में। वो जो मरी हुई गोह थी वो बोलती है, उसने जवाब दिया का लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ फसीह तरीन अरबी जुबान में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देते हुए उसने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया मन ताबुद, तू किसकी इबादत करती है? अरे भाई बोलो ना हम किसकी इबादत करते हैं?
अल्लाह की, हम किसको सजदा करते हैं? रिस्क देने वाला कौन, पैदा करने वाला कौन, औलाद देने वाला कौन, शिफा देने वाला कौन, बिगड़ी बनाने वाला कौन, मुश्किल कुशा कौन, मसाइल को हल करने वाला कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही यकीन मुझे और आपको बनाने की जरूरत है कि करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह सबके बगैर सब कुछ कर सकता है और कोई अल्लाह के बगैर कुछ करने वाला नहीं है। कहो बेशक। उस दोह ने जवाब दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सवाल किया, मन ताबुदु, तू किसकी इबादत करती है, तू किसकी पूजा करती है, तू किसकी परस्तिश करती है, तू किसका नाम लेती है? तो उसने जवाब दिया, फअजाबा बिलिसानिन अरबियिन फसीहिन मुबीन। उसने साफ सुथरी वाज़े अरबी जुबान में जवाब दिया। उसने कहा, मन फिस समाई अर्शुहु وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه। कहो सुभान अल्लाह। उसको ने जवाब दिया, मैं गुलामी करती हूँ उसकी जिसका अर्श आसमानों में है। कहो बेशक। मैं बंदगी करती हूँ उसकी जिसकी हुकूमत चलती है जमीनों में। कहो बेशक। मैं उसकी ताबेदार हूँ जिसके मुसख़र करदा रास्ते हैं समुंदरों में। कहो बेशक। और मैं उसकी इताअत गुजार हूँ, मैं उसकी बंदगी करती हूँ जिसने ईमान वालों के लिए रहमत की जगह जन्नत को बनाया है और जिसने नाम मानने वालों के लिए अपनी सजा के तौर पर ठिकाना जहन्नम को बनाया है। ये जब जवाब दिया, उस अरबी की आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, ये गोह जो मुर्दा थी बोली, और वो भी ऐसी बोली कि लोगों की बोलती बंद कर दी। ऐसी बोली के मन फिस समाई अर्शुहु वफिल अर्ज़ सुल्तानुहु वफिल बहर सबीलुहु वफिल जन्नत रहमतुहु वफिल नार इकाबुहु। पहला सवाल हो गया। कबर में भी तो यही सवाल होना है ना, मन रब्बुका। कबर में भी तो यही सवाल होना है, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन, तेरा पालनहार कौन, तू किसकी इबादत करता था? गौह को पता है कि वो किसकी इबादत उसे करनी है। हमें भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए और उसकी इबादत के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी इबादत के लिए दिन में 5 मरतबा तैयार रहना चाहिए। प्यारे नबी की मोहब्बत में जमा हुए होना, अरे बोलो ना, अरे हाँ या नहीं, प्यारे नबी की मोहब्बत में जमा हुए हो ना? आका के दिल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो क्या? आका के आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो या नहीं? अरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो या नहीं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो आका के दिल को सुकून पहुंचाना चाहते, आका की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते तो भी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करोगे ना इंशाअल्लाह? कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठाओ। सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको मरते दम तक 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी हाल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक फरमाए। वो गोह ने जवाब दिया, मैं उसकी इबादत करती जिसका अर्श आसमानों में, जिसकी हुकूमत जमीनों में, जिसके रास्ते दरियाओं में, और जिसकी रहमत की जगह जन्नत में और जिसकी सजा की जगह जहन्नम में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, अय्युहज़्ज़ब, ए गोह जरा बतला, मन आना, मैं कौन हूँ, जरा बतला तो सही कि मैं कौन हूँ। उस गोह ने दोबारा जवाब दिया, उसने जवाब दिया, अंत रसूल रब्बिल आलमीन अंत खातमुन नबीन कद अफलह मन सद्दकक वकद खाब मन कज़्ज़बक। उसने जवाब दिया, मैं कौन हूं? उसने कहा, आप रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं। कहो सुभान अल्लाह। आप रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं। और कहा, आप खातमुन नबीयीन हैं, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले,
नबियों के सिलसिले को, अरे बोलो ना, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले, यानी आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। आपके बाद, अरे बोलो, कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, ना पंजाब में, ना बिहार में, ना औरंगाबाद के पास जाकर रहेगा, चाहे वो उस जमाने का मुसैलिमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो कुछ दिनों कुछ सालों पहले का मुसैलिमा पंजाब हो, गुलाम अहमद कादियानी, और चाहे वो इस जमाने का शकील बिन हनीफ हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, गोह भी गवाही दे रही है, कुरान ने गवाही दी, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, आप अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। उस गोह ने हमारी, आपकी, मेरी और आपकी जिल्लत और इज्जत के बारे में गवाही देकर बतला दिया, कद अफलह मन सद्दका, जिसने आपको सच्चा मान लिया, जिसने आपको नबी मान लिया, जिसने आपकी मानकर जिंदगी गुजार ली, उसकी हर मुराद पूरी हो गई और हर दुख दर्द दूर हो गया। यह है फलाह का तर्जमा जो इमाम रागिब अस्फहानी ने किया है। कद अफलह मन सद्दक, जिसने आपको सच्चा मान लिया, दीन और दुनिया और हर जगह में कामयाबी उसके कदम चूमने लग जाएगी। वो कद खाब मन कज़्ज़बका, और जिसने आपको झुटला दिया वो नाकाम और ना मुराद हो गया। जिसने आपको झुटला दिया, ओ मेरे भाइयो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगा लो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से दिल लगा लो, प्यारे नबी की सुन्नतों को सीने से लगा लो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अपने सीने से लगा लो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानकर जिंदगी गुजारने में ही कामयाबी है ये यकीन अपना बना लो। प्यारे नबी से ज़्यादा मोहब्बतें करने वाला, प्यारे नबी से ज़्यादा कोई और तड़पने वाला अगर मिल जाए, प्यारे नबी से ज्यादा मोहब्बतें करने वाला अगर कोई मिल जाए, तो छोड़ देना प्यारे नबी को। अगर आका से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए, तो छोड़ देना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को। आका से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन, आका से ज्यादा हमारे लिए तड़पने वाला कौन, आका से ज्यादा हमारे लिए रोने वाला कौन, आका से ज्यादा रातों को दुआएं मांगने वाला हमारे लिए कौन। वो मैदान अरफात, हज्जतुल वदा का मौका और जवाल के बाद का वक्त, जवाल के बाद से चिलचिलाती धूप, अप्रैल का महीना और जोहर की नमाज और साथ में जमा तकदीम करते हुए असर की नमाज अदा फरमाई, और उसके बाद से गुरुबे आफ्ताब तक तकरीबन 6 घंटे 6.5 घंटे आप दुआएं करते रहे, भूखे प्यासे इसी हाल में दुआ कर रहे हैं। रिवायत में अल्फाज आते हैं, मा दन यदैही कल मुस्ततिमिल मिस्कीन, जैसे किसी के घर के सामने कोई भिखारी, कोई फकीर, कोई मिस्कीन मोहताज जो रोटी मांगने के लिए आया हो, अपने पेट के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए रोटियां मांगने के लिए हाथ लंबे कर करके वो अल्लाह का वास्ता दे देकर जिस तरह से रोटी वो भिखारी मांग रहा होता है, इस तरीके से प्यारे नबी मैदान अरफात में दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह भला करे उम्मे फजल का कि एक प्याला दूध का लाकर दे दिया, आका ने वो नोश फरमाया तो पता चला कि आका का रोजा नहीं है, वरना तो सब लोग सोच में पड़े हुए थे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसे चिलचिलाती धूप में आका का रोजा है, ऐसा लग रहा है कहीं गशी तारी ना हो जाए, कहीं बेहोशी तारी ना हो जाए। उम्मे फजल ने एक प्याला दूध का पेश किया और वो आका ने नोश फरमाया है, और बाकी 6 घंटे 6.5 घंटे इतनी लंबी दुआएं मेरे और आपके लिए, किसके लिए हम में से किसी की माँ ने इतनी लंबी दुआएं मांगी हो तो बताओ, किसी के बाप ने इतनी लंबी दुआएं मांगी हो तो बताओ, किसी का बाप
किसी बेटे के लिए औलाद के लिए इतना पिसा हो, इतना थका हो और इतनी अजियतें महसूस की हो तो बताओ वो ग़ज़वे उहद का मौका है। आका के सर मुबारक में कड़ियां घुस गई, आका का रुखसार मुबारक जख्मी हो गया, आका के दंदान मुबारक शहीद हो गए। लोगों में ये मशहूर हो गया कि प्यारे नबी तो शहीद हो गए, शहीद नहीं हुए थे, जरा सी बेहोशी सी तारी हुई थी। ओ मेरे भाइयों, वो ग़ज़वे उहद का मौका आका लहू लुहान है, वो ताइफ का सफर जबकि आका के कदम में मुबारक लहू लुहान है, जबकि औबाश और बदमाश किस्म के लड़कों को आपके पीछे लगा दिया गया, आका आका लरजते हुए और तड़पते हुए बेखुदी के आलम में क्या मंजर रहा होगा वो, कि आसमान भी रो रहा होगा और जमीन भी रो रही होगी और वो पहाड़ भी तरस रहे होंगे कि काश आका की जुबान मुबारक से एक बद्दुआ का लफ्ज निकल जाए, वो पहाड़ों का फरिश्ता आज़िर, वो जिब्राइल अमीन आज़िर कि जरा सा इशारा हो जाए, पहाड़ों को मिला दिया जाए और इन सब का सुरमा बना दिया जाए, पीस दिया जाए चक्की के दो पार्ट में, जैसे गेहूं को पीसा जाता है, आटा पीस कर बराबर कर दिया जाता है। आका फरमाते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। वो ग़ज़वे उहद का मौका, आका फरमा रहे हे अल्लाह, ये मेरे मकाम मर्तबे को जानते कोई नहीं, अल्लाहुम्मा हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, हे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इसलिए कि ये मेरे मकाम और मेरे मर्तबे को मेरे रुतबे को जानते कोई नहीं। वो ग़ज़वे उहद तुम भूल बैठे, वो सफर ताइफ तुम भूल बैठे, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के सामने हैं, काबा के सामने हैं, सजदा रेज हैं, वो मुबारक पेशानी वो जमीन को बोसा दे रही है, जमीन आपकी पेशानी को चूम रही है, वो आपकी मुबारक नाक को जमीन चूम रही है। और ऐसे मौके पर अबू जहल मलऊन जाता है और ऊंट की वो नजासत भरी गलाजत भरी ओजड़ी लेकर आता है और वो लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमर पर, मुबारक गर्दन पर डाल देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बोझ की वजह से सजदे से सर नहीं उठा पाते, वो अबू जहल और उसके साथी वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर फट्टे मारकर हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं और हंसते हंसते एक दूसरे की गोद में वो सर उनका गिरा चला जाता है। मेरे आका हैं कि वो सजदे से सर नहीं उठा पाते, ग़ज़वे उहद तुम भूल गए और वो मक्का की परेशानियां तुम भूल गए, कोई आ रहा है धूल फेंक रहा है, कोई आ रहा है वो थूकने की कोशिश करता है, जिसके हाथ में जो आ जाता है वो फेंकने की कोशिश करता है। ताइफ का सफर तुम भूल गए, मैदान अरफात की दुआएं तुम भूल गए, रात को बिस्तर पर आते हैं, करवट बदलते हैं, थोड़ा सा लेटते हैं, उठकर फिर जाते हैं और आका फिर जाकर अल्लाह के सामने जाकर खड़े होते हैं और सजदे में लंबी सी दुआएं मांगते हैं। अम्मा आयशा फरमाती है ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी रूह परवाज कर गई, मैंने जरा सा तलवे को हाथ लगाया तो अंगूठे ने हरकत की तो मुझे समझ आया कि नहीं नहीं आका की रूह परवाज नहीं हुई है, आका की रूह परवाज नहीं हुई है। ओ मेरे भाइयों, आका से ज्यादा तड़पने वाला, आका से ज्यादा रोने वाला, उम्मत को तो ये कहा गया कि तुम रो, रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ, ये कहा गया فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, ये कहा गया कि لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا, तुम अगर वो जान जाओ जो मैं जानता हूं तो तुम हंसना कम कर दो, रोना ज्यादा कर दो, जंगलों की तरफ निकल जाओ और अल्लाह अल्लाह में लग जाओ। ये आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है हंसो कम रो ज्यादा, लेकिन वहां आका को अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, फला तذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين, अल्लाह फरमा रहा है इतना क्यों रोते हो कि सीने से हंडिया के उबलने की तरह आवाजें आती हैं, इतना क्यों रोते हैं, क्या नबी अपने आप को हलाक कर डालेंगे,
अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो क्या आप अपने आप को खत्म कर डालेंगे, क्या आप खुदकुशी कर डालेंगे, क्या आप अपनी जान दे देंगे? वहां अल्लाह को तरस आ रहा है कि नबी इतना क्यों रोते हो, इतना क्यों रोते हो? अबू बकर सिद्दीक कभी कह रहे हैं क्या अल्लाह हमारे साथ नहीं है, क्या अल्लाह ने हमारी मदद करने का वादा नहीं किया है? ओ मेरे भाइयों, उस नबी के तरीकों से हमने जफा कर डाली, उस नबी की सुन्नतों को हमने 5 रुपए की जो टायर की हवा होती है उससे भी ज्यादा हल्का समझ लिया, उससे भी ज्यादा हल्का समझ लिया। एक तार अगर कट हो जाए, एक तार अगर कट हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाता है। प्यारे नबी की सुन्नतों को हमने तार से भी ज्यादा हल्का समझ लिया। 50 लाख की गाड़ी हो और 5 रुपए की हवा ना हो, 5 रुपए की हवा ना हो, हर कोई कहेगा अरे मियां पहले हवा तो डलवाओ, इस गाड़ी को कहां ले जाओगे, ये गाड़ी मंजिले मकसूद को नहीं पहुंचेगी। ओ मेरे भाइयों, सुन्नतों की हवा हमारी गाड़ियों में नहीं है, हम मंजिले मकसूद को कैसे पहुंच जाएंगे? सुन्नतों की हवा हमारी गाड़ियों में नहीं है, हम मंजिले मकसूद को कैसे पहुंच जाएंगे? आज पूरा इरादा करो, आज़्म करो कि जहां रहेंगे, पूरे मुल्क में जहां रहेंगे, जिस खित्ते में, जिस शहर में रहेंगे, अपनी पहचान के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, अपनी पहचान के साथ रहेंगे, सर पर टोपी लगा कर रखेंगे, चेहरों को दाढ़ियों से सजा कर रखेंगे इंशाअल्लाह, अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, आपकी सूरत, आपकी शक्ल, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपके कैरेक्टर हमको अपनी जान से ज्यादा महबूब, तो हम अपने चेहरे को आका के चेहरे जैसा क्यों नहीं बनाते, हम अपने चेहरे को आका के चेहरे जैसा क्यों नहीं बनाते? आज इसी मजलिस में अभी आज़्म करो, पुख्ता इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज से ही हम दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर इरादा करो, पुख्ता इरादा करो कि आप दाढ़ी नहीं कटवाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों जरा तो सोचो, जरा तो सोचो। इंसान कहता है, नौजवान कहता है कि दाढ़ी रखता हूं तो शर्म आती है, शर्म आती है। किससे शर्म आती है? क्या बीवी से शर्म आती है? क्या बीवी का रुतबा अल्लाह के नबी से ज्यादा है? नबी से शर्म नहीं आती? जब जब नाई की दुकान पर जाता है, नबी से शर्म नहीं आती कि नबी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आज से पुख्ता इरादा करते हैं कि कभी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे इंशाअल्लाह, उस तरह नहीं चलेगा इंशाअल्लाह, यक मुश्त दाढ़ी रखेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाजों को पाबंदी से अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को 12 महीनों बयान करते और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को खूब सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।